इतिहास केवल दो सत्ता के बीच के संघर्षों की कहानी नहीं है, इतिहास उन तमाम पहलुओं को आपको बताता है जिसपे समाज की नींव टिकी हुई है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकरनामा इतिहास में उन तमाम ऐसे व्यक्तित्वों को आपको बताता है जिनको अभी तक आपके बीच में नहीं लाया गया है, जिनके संस्मरणों को अभी तक नहीं बताया गया है, जिनके व्यक्तित्वों को अभी तक विशेष स्थान नहीं मिला है। अंबेडकरनामा का यह प्रयास है कि उनके जीवन के तमाम संघर्ष, उनके जीवन के तमाम उपलब्धियां, उनके जीवन के तमाम राजनीतिक उठापटक को आपके बीच में लाए और आपको बताए, जिससे कि आप इतिहास से कई चीज़ सीखे और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। उसी सिलसिले में कांसीनामा अंबेडकरनामा का विशेष एपिसोड चल रहा है। लगभग 45 से ज़्यादा एपिसोड हमने बनाया है। हमने उन तमाम लोगों से बात किया है जो कांसीराम के साथ काम किए हैं, उनका एक राजनीतिक अनुभव बताया है और यह भी बात किया है कि कांसीराम के असली वारिस कौन है। उसी सिलसिले में आज का एक विशेष कांसीनामा का यह एपिसोड है जिसमें मैं आपको एक विशेष दिन का याद दिलाऊंगा। वह विशेष दिन है फूलन देवी और मान्यवर कांसीराम की मुलाकात का। आपको याद होगा कि मान्यवर कांसीराम से फूलन देवी की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में क्या उन्होंने कहा था, कांसीराम ने क्या कहा था, फूलन देवी ने क्या कहा था, इसके बारे में हम आज बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकरनामा रेफरेंस के तहत आपको बताती है, जितनी भी बातें होती है रेफरेंस के तहत आपको बताया जाता है। तो ये मान्यवर कांसीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण के का जो संग्रह है खंड 8 के, जिसके संपादक A.R. अकेला जी है, पेज नंबर 307 से है और इसमें फूलन देवी के जीवन के बारे में, फूलन देवी के बारे में चर्चा है। 19 फरवरी 1994 को जेल से फूलन देवी की रिहाई होती है। उसके बाद 26 फरवरी को फूलन देवी बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली पर 12 बजे पहुंची। कार्यालय पर पहुंचने के बाद बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांसीराम जी के सम्मुख सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। इन क्षणों में फूलन बहुत खुश थी। इस मौके पर कार्यालय में काफ़ी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 साल के लंबे अंतराल के बाद और लगभग 15 से 16 साल की जब से फूलन थी तब से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसके बाद उनकी मुलाकात पहली बार कांसीराम जी से होती है, क्योंकि कांसीराम उस समय भारत के राजनीति के एक प्रमुख चेहरे में से एक थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो तमाम अपेक्षाएं थी, तमाम जो लोग शोषित हो रहे थे, चाहे वो महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी भी समुदाय के लोग हो, वो लोग उनसे तमाम आशाएं लेकर बैठे थे। तो उसी आशा के सिलसिले में फूलन देवी की मुलाकात मान्यवर कांसीराम जी से होती है। मुलाकात में फूलन ने मान्यवर कांसीराम जिसे पहली मुलाकात में सबसे पहले यही कहा कि मैं तो अभी तक आपको फोटो में ही देखती थी, आज आपको पहली बार साक्षात देखा है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे साथ न्याय किया है। आपने गंभीर होकर, यानी फूलन देवी ने गंभीर होकर यह भी कहा कि साहेब मैं 15 से 16 साल की थी तब से ही मेरे साथ अन्याय होता चला आ रहा है, अभी तक मेरे साथ धोखे भी बहुत हुए हैं, क्या पता साहेब हम नीची जाति की औरतों के साथ इतना ही अन्याय क्यों होता है, हम लोगों को तो ऊंची बिरादरी के लोग जानवर समझते हैं, देखो ना सरकार ने बड़े बड़े डकैत छोड़ दिए हैं जिन्होंने दिल्ली, साधुपुर, बाहरी का नागला जैसे कांडों में अपने दलित भाइयों को
गोलियों से भुना है और एक फूलन जो औरत है वह पिछले 11 साल से जेल में सड़ती रही। आज जब अपने लोगों ने अपनी सरकार बनाई और मेरे साथ न्याय किया तो ऊंची बिरादरी के लोग को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे खिलाफ फिर से रिट भी दायर कर दी। तो जब भी किसी की अपनी सरकार बनती है, किसी भी समाज की, किसी भी पार्टी की अपनी सरकार बनती है, तो उसमें कई तरह के की जो अब तक शोषण चला आ रहा होता है उस पर नए तरीके से फैसले लिए जाते हैं। और उस समय जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसी समय फूलन देवी बाहर निकल कर के आई थी और कांशीराम जी का उसमें योगदान था, जैसा कि फूलन देवी बता रही हैं। तो उसी सिलसिले में वो जिक्र करती है कि अपनी सरकार बनी है तो हम आज बाहर निकल कर करके आए हैं। फिर आगे फूलन देवी ये कहती है कि सोचती थी कि एक दिन भी जेल से छुट्टी मिल जाए तो मैं आपसे मिलती और कहती कि आप भी और नेताओं की तरह क्यों हो गए, आप तो मेरे साथ न्याय करो। लेकिन अच्छा हुआ देर ही सही, आपने अपने समाज की सरकार बनाई और मेरे साथ न्याय किया। मुझे अब बहुत खुशी है, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यालय से जाते समय मान्यवर कांशीराम जी से सिर पर हाथ रखाकर फिर आशीर्वाद लिया और फूलन अपने चाचा के यहाँ गुप्ता कॉलोनी किंग्सवे कैंप कॉलोनी वापस गई। देखिए, जब जेल से बाहर निकल रही थी फूलन देवी, उसके बाद कांशीराम से मिले और उसके बाद जब कांशीराम से मिलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर वो आशीर्वाद लेती है कांशीराम से और यह वादा भी करवाती है कि आप मेरा साथ देंगे। तो आप देखिए कि एक औरत के लिए जो शुरू से लेकर के अंत तक जो संघर्ष कर रही थी वो किस तरीके से अपने दर्द को व्यक्त करती है और अपने आत्मविश्वास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो कहाँ कहाँ जाती है। ये फूलन देवी की अपनी कहानी है, आपने फिल्म भी देखा होगा और अमर कर्णावा कई एपिसोड लेकर के आया है जिससे आपको जानकारी मिली होगी। इस मौके पे मान्यवर कांशीराम जी फूलन से लगभग 2 घंटे की मुलाकात में कार्यकर्ताओं के बीच ही बातचीत कर जानकारी ली और फूलन ने अपने लिए सहयोग की अपील की, जिस पर पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि हम तो इसलिए ही लगे हुए हैं कि समाज को इतना जागरूक होकर तैयार हो जाना चाहिए ताकि जुल्म ज्यादती न हो और न ही किसी को अब फूलन बनने का जरूरत पड़े। तो ये मान्यवर कांशीराम के शब्द है जो कह रहे हैं कि अब किसी भी बेटी को फूलन हम नहीं बनने देंगे। यानी जो फूलन के साथ जो शोषण हुआ है, फूलन देवी के साथ जो शोषण हुआ है, उस तरह की शोषण नहीं होने देंगे, इसीलिए वो समाज को जागरूक कर रहे हैं, ऐसा मान्यवर कांशीराम जी कह रहे हैं। आपने आगे यह भी कहा कि हमने तो बहुत पहले ही कोशिश जारी रखी थी। मुलायम सिंह जब पहले 1989 में जनता दल की सरकार में मुख्यमंत्री बने तब जनता दल के लोगों का दबाव होगा, वह कुछ नहीं कर पाए। फूलन की सुरक्षा के बारे में आपने कहा कि अब समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपने आप पूरा सहयोग करेगा, समाज अब तैयार हो रहा है, हमने देश का माहौल बदला है और जब माहौल बदला है तो न्याय तो मिलेगा ही। फूलन ने जब बंद कमरों से बाहर निकलकर काम करने की अपील की तो उस पर मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पूरे देश में खुले में रखकर काम करने के लिए पूरा अवसर देंगे, देश के कोने कोने में घुमाएंगे, फिर से जंगल में नहीं जाने देंगे, अपने लिए तो सारा देश ही जंगल है। और ये बहुजन संगठक वर्ष 14-9 अंक है उसमें भी छपा था और ये 28 फरवरी 1994 को ये जो पूरा मिलन है वो छपा था। तो ये मान्यवर कांशीराम और वीरांगना फूलन देवी की कहानी है, उनके मुलाकात की कहानी है। हम आपके बीच उन तमाम महापुरुषों की, उन तमाम व्यक्तित्वों की और उन तमाम वीरांगनाओं की कहानी आपके बीच में लेकर के आएंगे जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है
समाज को बदलने में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है समाज और राष्ट्र के निर्माण में। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए, हम आपके बीच में ऐसे गीत लेकर के आएंगे जो गीत अब तक प्रस्तुत नहीं किए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। थैंक यू।